Hi, this is Khushbu with another question on probability. This is example number 4 from page number 13.7 of R.D. Sharma. This says two dice are thrown simultaneously. Two dice hain, ab unko ek saath throw kiya. So, uske upar jo outcomes hote hain, 1, 2, 3, 4, 5, 6 uske upar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 uske upar. But depend karta hai, ek hi baari mein dono pe kya outcomes aa rahe hain. Fir hume probability nikalni hai in cases. Sabse pehle hum banate hain hamara sample space. सबसे पहले हो सकता है फर्स्ट वाले डाइस पे 1 हो और दूसरे पर भी 1 हो, फिर हो सकता है पहले वाले पे 1 हो दूसरे पर 2 हो, पहले वाले पे 1 हो दूसरे पर 3 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 4 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 5 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 6 हो, या फिर पहले पे 2 हो दूसरे पे 1 हो, पहले पे 2 हो दूसरे पे 2 हो, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 दूसरे पे 6. या हो सकता है हमारे पास हो 3 1, पहले पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 4, 3 दूसरे पे 5, पे 3 दूसरे पे 6, पहले पे 3 दूसरे पे 7 और स्पॉट पॉसिबल सॉरी दिस 4 1 या 4 2 4 3 4 4 4, 5, 4, 6. Yeah, what's that like? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Yeah, what's that like? 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Yeah, possible outcomes. So you see, total outcomes हमारे पास कितने हैं? एक डाइस पे 6 आ सकते हैं और number of outcomes ही हमारे पास इस तरीके से 6 हैं। तो total outcomes हमारे पास हैं 6 multiplied by 6 means 36. ये हमारे total outcomes हैं। Now case number 1, find the probability of getting an even number as a sum. हमने probability निकालनी कि even number आएगा plus करने पर। Getting an even number. Probability निकालने का formula होता है number of possible outcomes upon total number of outcomes. So यहाँ पर possible outcomes हमारे पास कितने हैं? Possible outcomes टोटल तो हमारे पास नीचे 36 है, पॉसिबल आउटकम्स हमें है गेटिंग एन इवन नंबर एज सम, कि दोनों के डाइस पे जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड करने पर एक इवन नंबर बने। तो ऐसे कितने केसेस, एक तो ये, एक ये, एक ये, देन एक दो तीन, फिर एक बार केस हो सकता है ये 2 4 2 6, देन 3 1, 3 3, 3 5, then 4 2, 4 4, 4 6, then 5 1, 5 3, 5 5, then 6 2, 6 4, 6 6. तो कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 केसेस हैं आपके पास। 18 ones are, 18 twos are. So answer is 1 by 2. Second case, find the probability of getting the sum as a prime number. The sum I, is a prime number. The sum as a prime number. So total हमारे पास है 36. अब add करने पर हमारे पास आएगा prime number. Prime numbers हमारे होते हैं जैसे कि 2, 3, 7, 11, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। So 9 को हम प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते, because 9 3 के टेबल में भी आता है। और प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता। ऐड करने पर प्राइम नंबर चाहिए। 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा। एक ये हो सकता है, ये 4 होगा, ये 5 हो सकता है, ये 6, ये 7 हो सकता है। 2 प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, 4, ये 5 हो सकता है, 6, ये 7 हो सकता है,
एंड फोर ये फाइव आ सकता है, सिक्स है ये सेवन आ सकता है, थ्री नाइन नहीं आ सकता, प्लस वन अगेन फाइव है ये सिक्स, ये सेवन आ सकता है, एट फाइव प्लस फोर नाइन प्लस फोर टेन, सिक्स दिस इज सेवन एट नाइन टेन इलेवन, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये नंबर है. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सॉरी वन टू थ्री फोर ये भी इंक्लूड हुआ है नंबर में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास. तो फिफ्टीन फाइव सिक्स इसे कैंसिल करें तो थ्री फाइव द आंसर टू जो फाइव ओवर ट्वेल्व. सो ये वो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर हमारे को प्राइम नंबर मिल रहा है. थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट टेन, गेटिंग टोटल ऑफ एटलीस्ट टेन, कि हमारे पास टोटल कम से कम टेन आए, जब नंबर्स को ऐड करें तो उनका टोटलिंग कम से कम टेन करें, मतलब टेन से ऊपर भी हो सकता है, दैट मीन्स उसमें आ सकता है एटलीस्ट टेन, मतलब टेन भी आए इलेवन ट्वेल्व इससे ऊपर. सो कौन कौन से केसेस हैं, इस केस में एक भी नहीं आ सकता, टू एट तक होंगे, थ्री सिक्स थ्री नाइन इसका लास्ट टोटल टेन है, तो एक नंबर तो ये आ गया टेन पे, और सेवन एट नाइन टेन एक ये एक ये एक ये एक एट नाइन टेन ये और ये, तो कितने नंबर आए, एक दो तीन चार पांच छह सिक्स नंबर्स, सिक्स नंबर्स आ रहे हैं. तो सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स, सिक्स वन वन सिक्स सिक्स दैट मीन्स वन बाय सिक्स. फोर्थ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर का डबलेट, टोटल आउटकम्स नंबर 36 है, इवन नंबर का डबलेट का मतलब हो गया डबलेट्स होते हैं जैसे कि ये और दोनों इवन नंबर्स में, जैसे ये टू टू ये डबलेट है, दोनों नंबर सेम और इवन है, जैसे कि यहाँ पर फोर फोर ये डबलेट है, दोनों नंबर सेम और इवन, और जैसे कि ये सिक्स सिक्स. सो हमारे पास ऐसे सिर्फ तीन नंबर है, थ्री बाय 36 3 ones are 3 twos are, that means 1 by 12. So this was question number, example number 4 from R.D. Sharma, and do watch the next video for some other parts of this question. Goodbye.